हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। मैं किरण, आपकी गार्डनर होस्ट। और फ्रेंड्स, आज आप सभी को मैं अपना ये छोटा सा प्लांट्स और प्लांटर दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, मैंने ये कोलियस इस छोटी सी मटकी में लगा रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। हालांकि लगाया तो मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले था कटिंग से, बट अभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत निकल के आया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, छोटी सी मटकी भी कमाल करती है। छोटा सा इसमें पानी थोड़ा सा आता है, थोड़ी सी ही फ्रेंड्स इसमें मिट्टी लगती है, और ज़्यादा कोई केयर भी नहीं करनी पड़ती है फ्रेंड्स। इस मटकी में मैंने इसको तकरीबन 1.5-2 मंथ्स पहले लगाया था, और ये काफ़ी अच्छा निकल के आया है अभी। और इधर फ्रेंड्स, मैंने इस छोटी सी मटकी में ये रियो लगा रखा है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत निकल रहा है। धीरे धीरे इसकी आइट साइड से भी बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आ रही हैं फ्रेंड्स। देखिए, लग रहा है ना खूबसूरत फ्रेंड्स। ये प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। देखिए, ये सेमी शेडी प्लेस में काफ़ी अच्छा चलता है फ्रेंड्स। इसको ज़्यादा हार्ड धूप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसको ज़्यादा हार्ड धूप में रखेंगे तो इसकी ये जो कॉर्नर है, ये टिप्स जल जाएंगी और इसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको फिल्टर होके धूप मिलती रहे। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी, इसको छोटे पॉट में, बड़े पॉट में, जैसा भी आपको समझ में आए आप वैसे लगा दें फ्रेंड्स, बहुत अच्छा चलता है। तो मैंने इसको इस मटकी में लगा रखा है फ्रेंड्स। ये देखिए, काफ़ी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स। तो हम इन छोटी छोटी मटकियों में, जो हमारे घर में वेस्ट निकलती हैं, जब हम कई बार पूजा में लाते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि ये पूजा के बाद वेस्ट हो जाती हैं। तो मैंने ये इकट्ठी कर रखी थी फ्रेंड्स, और इनमें कुछ ना कुछ मैंने लगा रखा है, और कुछ ऐसा लगा रखा है फ्रेंड्स जो हर कंडीशन में चलने वाले प्लांट हैं, धूप हो या छाएँ, अच्छे चलते हैं फ्रेंड्स। इनको आप अपनी सुविधा अनुसार जहाँ मर्जी रख सकते हैं। एक मैंने ये मटकी में जेड प्लांट लगा रखा है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी खूबसूरत निकल के आया है। ये देखिए, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ये छोटी छोटी मटकियाँ जो हमारे घर में वेस्ट होती हैं, मैंने फ्रेंड्स ये फ्री में ही बनाए हैं तीनों प्लांटर। मटकियाँ हमारी वेस्ट हो जाती हैं, और कटिंग्स हमारे गार्डन में निकलती रहती है। तो हमने ये कटिंग से फ्रेंड्स अपने ये प्लांट इन मटकियों में लगाए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स। ये जेड प्लांट तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लांट है, और इसको घर में हमारे लगाना ही चाहिए। तो आप भी छोटी छोटी जगह पर इन छोटे छोटे प्लांटर्स में कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स ये प्लांट, और बड़े शुभ माने जाते हैं। तो ये जितने ज़्यादा हों हमारे घर में, उतना ज़्यादा अच्छा है। ग्रीनरी भी बढ़ाते हैं, खूबसूरती भी बढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे घर की वास्तु को भी ठीक करते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे ये मटकियाँ मेरी फ्रेंड्स। आपको भी अगर फ्रेंड्स पसंद आई हो मेरी ये छोटी छोटी मटकियाँ, यानी कि मेरे छोटे छोटे पॉट फ्रेंड्स, इनमें छोटा सा मैंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इनमें क्या करना है, कोई भी नोकदार चीज़ ले लें फ्रेंड्स, लोहे की, और उसे गीला करके धीरे धीरे इसको आप दबा के प्रेस करके घुमाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से इसमें इजीली 2-4 मिनट में छेद हो जाता है फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो मैंने इस तरीके से फ्रेंड्स सब में ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है। बगैर ड्रेनेज होल की तो फ्रेंड्स हमारे कोई प्लांट चलेंगे ही नहीं, इसलिए फ्रेंड्स ड्रेनेज सिस्टम बनाना ज़रूरी है। इसलिए आप भी ट्राई करें फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इजीली मिलती रहे। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आपको। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।